शुरू कर WBHC हायर सेकेंडरी टेस्ट पेपर MCQ विभाग सेट 15। एक नम्बर से जो फोर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू सिक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू टेन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इक्वल टू वन है तब बी बाय ए वन बेर करते बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडिशनल प्रोबेबिलिटी सूत्र के ऊपर दो इंटरसेक्शन बाय नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी मान कर इन्हें दस टा भाग कर दिल ऊपर हो जाए वन बाय दस एर मान फोर भाग कर दिल वन बाय फोर फोर बाय टेन इक्वल टू हो टू बाय फाइव बी नम्बर उत्तर। दो नम्बर एफ एक्स इक्वल टू लॉग टेन रूट ओवर एक्स माइनस टू प्लस रूट थ्री माइनस एक्स अपेक्षक संज्ञार अंचल एफ एक्स संज्ञात है जदि एक्स माइनस टू ग्रेटर दैन इक्वल टू जिरो एवं थ्री माइनस एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू जिरो रूटर भर दो धनात्मक होते हैं ठीक है तेल एखान बोलते एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू टू एक्स लेस दैन इक्वल टू थ्री तेल एक्सर मानटा दुई थ तीन मध्य है बी नम्बर अपशन जेहतु इक्वल टू आज थार्ड ब्राकेट क्लोज ब्राकेट बोला है। तीन वन टू थ्री बिंदु थे एक अक्षर दूरत एक अक्षर दूरत आगे बोले रूट ओवर एक अक्षर दूरत वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वायर मांग चार प्लस जेड मान थ्री मान नाइन मान रूट ओवर तेर एकक बुझा गया चार ये समतल दिक कोसाइनगुलि हल ठीक है दिक कोसाइन बेर करते बोले तेल दिक अनुपातगुल प्रथम दिक अनुपात हे सिक्स माइनस थ्री माइनस टू दिक अनुपात दिक कोसाइन बेर करते हैं तर वर्गर समष्टि द्वारा भाग करते हैं छत्तीस प्लस नाइन प्लस दुई स्क्वायर चार मान ऊनपचास मान सात द्वारा भाग तेल दिक कोसाइन है सिक्स बाय सेवेन माइनस थ्री बाय सेवेन माइनस टू बाय सेवेन सी नम्बर उत्तर। पाँच वाई इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स टू दि पावर फोर डट डट कर वन प्लस एक्स टू दि पावर टू एन है तब डीवाई डीएक्स एट एक्स इक्वल टू जिरो ते कथा बेर करते बोले तेल करेतु अनेकटा गुण आकार लग नहीं नेब लग अफ प्रथम हो जाए प्लस लग अफ द्वितीयटा डट डट कर लास्ट हो जाए लग अफ वन प्लस एक्स टू दि पावर टू एन डेरिवेटिव को लिखे वन बाय वाई डी वाई डीएक्स इटा जाए वन बाय वन प्लस एक्स लॉग एक्स सूत्र वन बाय एक्स और नीचेटार डेरिवेटिव उपरे तले एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव टू एक्स वन बाय एक्स नीचेटार डेरिवेटिव उपरे फोर एक्स क्यूब प्लस डट डट कर एटा हो जाए वन बाय एक्स टू दि पावर टू एन इंटू ऊपर डेरिवेटिव टू एन एक्स टू दि पावर टू एन माइनस वन तेल डिवाई डीएक्स एट एक्स इक्वल टू जिरो वाइट डान दिखे गुण है तो वायर मान बेर करब जो एक्सर मान जिरो और एखे शुद्ध एक्स डान दिक्ट सबट जिरो बस एक्चुअलि एखे वाइट गुण है एक शर्ट कर डिवाई डीएक्स वाई इंटू थार्ड ब्रैकेट एट हतो वायर मान जिरो जो है एखे एक्सर जगह वन एट जिरो है जिरो बस ऊपर तो जिरो एट जिरो प्लस डट डट कर लास्ट एट सबटा जिरो है नेक्स्ट वायर मान बेर करब जो एक्स इक्वल टू जिरो ए वायर मान एक्स इक्वल टू जिरो बस लिखे वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन मैं वन ही आसें और एखान पासी वन तेल अन्सार कि पासी वन ठीक है सी नम्बर अपशन। नेक्स्ट पर अंक
এই অঙ্কটা সেট নয় আলোচনা হয়েছে, সেম অঙ্ক দেখে নিতে পারো। অ্যান্সার ছিল 1/110, ঠিক আছে। এটাকে জেড ধরেছিলাম, এক্সের মানটা বসিয়েছিলাম, লিমিট চেঞ্জ করলে এটা এসো, সেট নয় আলোচনা করা আছে, দেখে নিও। সাত, এফ এক্সের মান দেওয়া হচ্ছে x³ + x² - 16x + 20 বা x - 2। অপেক্ষকটি x সমান 2 বিন্দুতে সন্তত হলে এফ টু এর মান কত হবে বের করতে বলেছে। এফ এক্স ইকুয়াল টু x, তাহলে সন্তত যেহেতু বলেছে তাহলে কী হবে, লিমিট এক্স টেন্স টু টু এফ এক্স, এর মানটা এফ টুর সাথে সমান হবে, এফ এক্স এর মানটা বসিয়ে দেবে এটা, তাই তো, x³ + x² - 16x + 20। তো করবো কি, ওটাকে জিরো পুট করে নেবে নিচে, ফ্যাক্টর হবে x - 2। তা আমি একবারে লিখে নিচ্ছি, x - 2 আসবে, এটা হবে x² + 3x - 10। x - 2 আউট হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এবার এক্সের জায়গায় 2 বসিয়ে দেবো, তাহলে 2 কত, 2² = 4 + 3 = 6 - 10। তাহলে এফ টু এর মান কত, 0। নেক্সট 8 নম্বর, এটা ক্যাপিটাল আই হবে, a² - a + i = 0। ইনভার্সের মান বের করতে বলেছে, ইনভার্স দ্বারা গুণ করে দেবো, সংক্ষেপ করছি, তাহলে ইনভার্স দ্বারা গুণ করলে এখানে পড়ে থাকবে এ, ইনভার্সের সাথে এ গুণ করলে আই হয়ে যাবে, ইনভার্সের সাথে আই গুণ করলে ইনভার্স থাকবে = 0। তাহলে এখান থেকে ইনভার্স ইনভার্সের সাথে 0 গুণ হয় তাহলে 0 হবে, তাহলে ইনভার্স -i পড়ে গেলে i - a, সি নম্বর অপশান। নেক্সট প্রবলিটি অফ এর মান 1/3, প্রবলিটি অফ a/b এর মান দেওয়া আছে 1/2, প্রবলিটি অফ a/b কমপ্লিমেন্ট বাই প্রবলিটি অফ এর মান এটা = 5 কে হবে, যদি 5 কে হয় তাহলে নিচের কোন শর্তটা সিদ্ধ হবে জানতে চেয়েছে, ঠিক আছে। যদি এটা একটা বড় অঙ্গ তবু মনে রাখবে কে লেস দ্য 1/5 হবে এখানে, তবু আমি একটু করে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। প্রবলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি কমপ্লিমেন্ট, প্রবলিটি অফ বি এর সূত্র থেকে পাবো, প্রবলিটি অফ এ সূত্র থেকে মাইনাস প্রবলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি, এর মান কত বেড়েছে 1/2 মাইনাস, এটাকে লিখতে পারি প্রবলিটি অফ বি ইন্টু প্রবলিটি অফ a/b, প্রবলিটি অফ a/b এর মান হাফ, তাহলে 1/2 ইন্টু প্রবলিটি অফ বি, সরি প্রবলিটি অফ এর মান 1/3, লস করলে কত 6, তাহলে 2 - 3 ইন্টু প্রবলিটি অফ বি। এবার বলেছে কি, প্রবলিটি অফ a/b কমপ্লিমেন্ট বাই এ, তো প্রবলিটি অফ a/b কমপ্লিমেন্টের সূত্র কি, উপরে হবে প্রবলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি কমপ্লিমেন্ট বাই প্রবলিটি অফ বি কমপ্লিমেন্ট ইন্টু প্রবলিটি অফ এ, আগে থেকে ছিল এর মান হচ্ছে কত 5 কে, এর মানটা জানি আমরা, বের করে রেখেছি 2 - 3 ইন্টু প্রবলিটি অফ বি, তার নিচে 6 একটা গুণ হবে,
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट लिखते वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एर मान वन बाई थ्री इक्वल टू फाइव के तले दाड़ा कत टू माइनस थ्री प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय टू माइनस टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइव के एहेतु प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एर मान कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एर मान वन होते पारे ना होते पारे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एर मान जदि वन है तो नीचे टू माइनस टू जीरो असंगत हो जाए फाइव के इक्वल टू असंगत अत निश्चय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एर मान जीरो चे बड़ो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू वन ताई जीरो लेस दैन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेस दैन वन है जेहेतु एर मान जीरो वनर थे छोटो है तई एर मानटा कि टू माइनस थ्री प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय टू माइनस टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेस दैन वन हो जाए तेल फाइव के लेस दैन वन के लेस दैन वन बाय फाइव डी नम्बर ऑप्शन नेक्स्ट एफ एक्स इक्वल टू साइन रूट एक्सर पर्याय आमरा जानी एफ एक्स इक्वल टू जदि साइन एक्स है तहले एर पर्याय कि है पृथ्वी साइन एक्स पर्याय टू पाई है ना तहले आमरा पाई जीरो टू पाई फोर पाई डट डट करे चलते थाकबे अतए जेहेतु साइन रूट एक्स आछे तहले रूट एक्स इक्वल टू कत रूट एक्स इक्वल टू जीरो टू पाई फोर पाई डट डट कर रूट तुले एक्स इक्वल टू है जिरो फोर पाई स्कोयर षोलो पाई स्कोयर डट डट थे जिरो पाई स्कोयर मान काछाची दस थ्री पॉइंट वन पाई होल स्कोयर दस एर साथ चार गुण कर चल्लिस एट एकशो साठ काछाची ठीक है तेल भैलूगुल सेम ना डिफारेंसटा सेम नाई तई एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स पर्याय एर कोनोटाई नय पर्याबृत्त अपेक्षक नय अब्दी